मेरा गाड़ी को कंपनी वाले उठा के ले गए। अपना एक छोटा सा चाय ठेला वो खोला हुआ था। मेरा बड़ा लड़का अभी 12th में है सर, अच्छा पढ़ाई करता है, सर्वश्रेष्ठ अंक लाता है। अरे वाह। वहाँ लिखा रहा था सर हमारे स्कूल के गौरव, ई रिक्शा ही लेना चाहिए। गाड़ी का डाउन पेमेंट लगभग 24-25 हज़ार रुपए पड़ गया था। अच्छा, रिक्शा एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। अच्छा, एजेंसी का। बस आप चलाते हो? हाँ मैं चलाता हूँ। अच्छा, 15 दिन में ये तो खत्म हो जाएगा आपका, इसके बाद क्या करेंगे आप? पर डे का 400 है सर। 400 है? हाँ। चलता भी है ये? चलता भी है सर, चला के दिखाओ। हाँ दिखाइए। का गाड़ी जो खिंच गया है। हाँ। बहुत अफसोस हुआ होगा अभी सर? अफसोस कैसे नहीं होगा बताइए, जिससे आप कमा रहे हैं, पेट रोजी आपका है, तो अफसोस नहीं होता? मेरे को रातों को उसकी याद आती है। और इतना प्रॉब्लम होने के बाद, आपकी गाड़ी खिंच जाने के बाद, आदमी बहुत परेशान हो जाता है, गलत कदम भी उठा लेता है। लेकिन आपने एक अच्छा ये उदाहरण दिया है कि आदमी को हार नहीं मानना चाहिए। आपके बेटे ने तो बहुत कुछ किया है, आप भी आज इसके पात्र हैं, और ये मैं आपको सम्मान देता हूँ और एक क्लैप कर देता हूँ। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह, नेटवर्क ऑफ इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। मेरे साथ हमेशा कैलाश दीप जी, देख सकते हैं वो रिक्शा में ऐसा एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत वाला काम है ये। और इसमें क्या है कि एक चोंगा भी लगा दिया, एक छोटा सा, जो कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का काम आता है। ये महज अभी 15-20 दिन से कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत कुछ किए लाइफ में, करते रहते हैं। तो चलिए आइए हम इनसे बात करेंगे और आगे की जानकारी लेंगे कि ये कितना कमा लेते हैं इस टाइप के काम में। और अगर आप भी सोच रहे हो इस टाइप का काम चालू करने में, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो भी है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरा वीडियो डेली आता है, दोपहर 1 बजे, रात को 9 बजे। आप ऐसे देख के मोटिवेट हो सकते हैं और आगे बढ़ने की आपको बहुत सारा जरिया मिलता है। बहुत कम पैसे से भी आप बिज़नेस कर सकते हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत कम पूंजी में भी आप कर सकते हो। और हिम्मत मत हारिए कभी भी, आप लाइफ में चलते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आइए हम उनसे मिलते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। कैलाश दीप जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये आप ये क्या करते हो, ये रिक्शा क्या चलाते रहते हो? ये क्या इलेक्ट्रिक वाली है कि ऐसे पैडल वाली है? ये पैडल वाली सर। अच्छा, इसको लेके हमको घूमना पड़ता है। और कितने दिन से कर रहे हैं ये? अभी मेरे को 9-10 दिन हुआ है। अच्छा, और ये 15-20 दिन का काम है। अच्छा, कंपनी का काम है, क्योंकि जहाँ जहाँ है इसका वहाँ वहाँ हमको ले जाना पड़ता है, और वहाँ वहाँ से जो भी है व्हाट्सएप वगैरह वहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भेजना पड़ता है। और ये चलता भी है? ये चलता भी है सर, चला के दिखाओ। हाँ दिखाइए क्या है, कैसे चलता है ये। इसमें क्या ये मतलब इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? कितना मिलता है आपको इसको करने के लिए? इसको पर डे का 400 है सर। 400 है? हाँ। पर डे आपको 400 मिलेगा? तो डेली मिल जाता है कि ये 15 दिन बाद मिलेगा? नहीं, वो जैसे भी है हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, कभी 200 या कभी 100, जैसे ज़रूरत हो, और जो बात में भी ले लेता हूँ बीच में। रिक्शा किसका है? रिक्शा एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। अच्छा, एजेंसी का। बस आप चलाते हो? हाँ मैं चलाता हूँ। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया। तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप? इससे पहले सर मैं घर ही में अपना एक छोटा सा चाय ठेला वो खोला हुआ था, जो कि उसी से थोड़ा बहुत पैसा मैं इकट्ठा करके एक ऑटो लिया था सर। अच्छा, ऑटो लिए थे? हाँ। ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा नहीं था सर, डीजल ऑटो। डीजल ऑटो था, ठीक है, वो लिया हुआ था मैं। हाँ। जो कि अकस्मात मेरे को घर में एक प्रॉब्लम आने के कारण मेरा गाड़ी 2 या 1 महीना खड़े हो गया था। तब भी मैं पैसा दिया था सर, मगर मैं नहीं कमा पाया था। गाड़ी तो खड़े हो गया था, पर मैं पैसा ज़रूर दिया था, फिर भी 1 मंथली मेरा लेटी में मेरा गाड़ी को कंपनी वाले उठा के ले गए। अच्छा, अब मुझे इतना बुरा लगा सर कि 1 मंथली में अगर आप उठा के ले गए हो, तो आगे मैं इसको कब तक कर सकता हूँ? तो मैं गया ही नहीं कम। अच्छा, उन्होंने मेरे पास 2 बार नोटिस भेज चुका है, पर मैं अभी तक गया नहीं हुआ। और कितना डाउन पेमेंट किया था आपने वो गाड़ी, कितने खरीदा था? गाड़ी का डाउन पेमेंट लगभग 24-25 हज़ार रुपये पड़ गया था। अच्छा। हाँ। और महीना कितना किस्त था? महीना 8 हज़ार रुपये का लगभग। अच्छा, तो क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम आ गया था जो नहीं दे पाया आप? प्रॉब्लम ऐसा था कि सर हमारे यहाँ एक डेथ हो गया था हमारे भतीजा का। अच्छा। जो कि बिलासपुर में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा। लड़के का, तो हम वहीं पे हमारे बड़े भैया के यहाँ बिजी हो गए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो इसलिए हम थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए थे। तो वो उससे पहले चाय वाले ही आप काम करते थे? हाँ, उससे पहले थोड़ा सा चाय मैं घर में ही चलाता था, जो कि मेरे मिसेज भी मदद करती थी उस पर। तो अभी कैसा है? अभी ये 15 दिन में ये तो ख़त्म हो जाएगा आपका, इसके बाद क्या करेंगे आप? फिर वही है सर, चाय ठेला, उसको और ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा। कहीं से अगर मेरे को 10-20 हज़ार का लोन मिल जाएगा, तो उसी को काम को बढ़ाऊँगा और उसी पर नाश्ता वास्ता डालूँगा। और डालूँगा, अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो
साइट इधर और देखूंगा मैं इधर उधर, क्योंकि 11 बजे तक मैं चाय के ठेलों को बंद करता हूँ, उसके बाद खाली हो जाता हूँ, वहाँ पे फिर नहीं चलता है, तो इसलिए मैं ये काम को पकड़ा हूँ कि घर में ना बैठूँ। सही बात है, क्योंकि बीवी बाल बच्चेदार आदमी हूँ। सही बात है, इसलिए मैंने इस काम को पकड़ लिया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं, तो उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सर दोनों पढ़ाई करते हैं। दोनों पढ़ाई करते हैं, तो अभी आपका गाड़ी जो खिंच गया है, बहुत अफसोस हुआ होगा अभी? सर अफसोस कैसे नहीं होगा बताइए, जिससे आप कमा रहे हैं, पेट रोजी आपका है, तो अफसोस नहीं होता? मेरे को रातों को उसकी याद आती है सर। कितना कमा लेते थे आप उसमें? उसमें मैं लगभग, अभी तो ऐसा है सर आप तो जान रहे हो, फिर भी 600-700 रुपये कमा लेता था, कुछ बचत करता था 8000 रुपये पटाने के और घर के खर्ची और इधर उधर दुनियादारी लेन देन, ऐसा ही सब चल रहा था। तो पैसा किस्त का निकाल ले रहे थे ना उसमें? किस्त से निकल रहा था बस सर, पर वही है 2-4 दिन का मैं टाइम मांगता था और पे कर देता। अच्छा, वही टाइम भी मुझे नहीं दिया गया। तो कंपनी क्या बोल रहा है अभी, कितना पैसा देंगे तो गाड़ी देगा? कंपनी अब बोल रहा है कि पूरा पे करो तो गाड़ी मिलेगा, नहीं पूरा तो, पे हाँ। अच्छा, तो बाकी है। अच्छा, तो मैं बोला मैं इतना तो नहीं कर सकता सर, मैं गरीब आदमी, इसलिए अब जो है। तो आपने ई रिक्शा क्यों नहीं लिया, डीजल का क्यों लिया? अरे वहाँ पे मुझे क्या है, मैं मेहनत करने वाला लड़का और मुझे लगा कि मैं मेहनत करके सब निकाल लूँ। अच्छा, पर अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को सही में ई रिक्शा ही लेना चाहिए, जो कि उसको इंस्टॉलमेंट भी कम होता। सही बात, और मैं आराम से उसको कवर कर लेता और वो 2-3 महीने में नहीं खींचते वो। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ जहाँ तक। हाँ, तो यही सबसे बड़ा। कौन सा ब्रांड की गाड़ी आपने लिया, खींच लिया 1 महीने में? सर वो क्या है, ब्रांड बोलना बेकार है, है ना, किसी का नाम लेना भी बेकार है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना पड़ गया था गाड़ी आपको? मेरे को तो सर वो टोटल 4.5-5 लाख की पड़ रहा था। 5 लाख की पड़ गया। हाँ, तो होता है सिचुएशन कभी कभार, ऐसे हो जाता है ना। लेकिन आप चाय में कितना कमा लेते हो, चाय वाले में? चाय में वही सर 150-200, कभी 100 भी हो जाता है, घर खर्ची निकल जाता है, अपना भी गुजारा चल जाता है। पहले अच्छा चलता था, अब और दुकानें वहाँ खुल गई, थोड़ा वो हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, मगर काम हम बंद नहीं करें। तो आपकी वाइफ पूरा हेल्प करती है सब चीज़? हाँ सर, वो सुबह उठते साथ पूरा हेल्प करती है, मेरा साथ है, वो मेरा साथी है। हाँ, मतलब उनके वजह से आपको हिम्मत बहुत मिलता है। हाँ, है ना। और आपको भी, आपकी वाइफ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी वाइफ आपकी हेल्प करते है, और इतना प्रॉब्लम होने के बाद, आपकी गाड़ी खींच जाने के बाद आदमी बहुत परेशान हो जाता है, गलत कदम भी उठा लेता है, लेकिन आपने एक अच्छा ये उदाहरण दिया है कि आदमी को हार नहीं मानना चाहिए और मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, ताकि दिमाग बिजी रहे और आगे बढ़ने का वो देखे, है ना सर। आप कर्म करेंगे तो रास्ता निकलेगा। सही बात है, आप कर्म नहीं करेंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? आज हम ये चला रहे, कल कुछ और हो सकता है, किसी में ग्रोथ हो सकता है, किसी में भी ग्रोथ हो सकता है। तो क्या सोचते हो अभी, मतलब वो दुकान को फिर से चालू करोगे? मतलब सर वो दुकान को तो मैं चालू करूंगा ही। हाँ, प्लस इधर उधर भी जो जैसा कर रहा हूँ वो भी करूंगा, और एक ई रिक्शा लेने का मेरा विचार है। अच्छा, जो कि मैं 1 साल के अंदर लेना चाहता हूँ। हाँ, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठी करके। हाँ, और उसी को चलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। और अभी उम्र क्या है अभी आपकी? मेरी उम्र सर लगभग 39 साल होना चाहिए। 39 साल हो रहा है, तो बहुत सारा संघर्ष देखा है अपने आपने लाइफ में? बहुत सारा संघर्ष है, है ना, बहुत ऊंच चढ़ाव। पढ़ाई किया है कुछ आपने? मैंने 9वीं तक किया सर। फिर नहीं पढ़ पाए? फिर नहीं पढ़ पाए, फाइनेंस प्रॉब्लम फैमिली का, है ना। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी तो सर हमारे मजदूर थे। अच्छा, फिर आपको नहीं लगता कि अब आपके बच्चे लोग को कुछ अच्छा बनना चाहिए, आपसे कुछ अच्छा ही बनना चाहिए? बस मैं सोच रहा हूँ मेहनत करके आप उनको पढ़ा दे अच्छे से, है ना, ताकि वो इस टाइप से काम ना कर पा कर। मेरा बड़ा लड़का अभी 12th में है सर। कितने में? 12th में। अच्छा, और अच्छा पढ़ाई करता है, सर्वश्रेष्ठ अंक लाता है। अरे वाह। और कई बार तो ऐसा है कि उसके स्कूल पे लिखा हुआ रहता था जब मैं रिजल्ट लेने जाता था कि हमारे स्कूल के क्या बोलते हैं टॉपर सम्मान सम्मान या हाँ ऐसे कुछ है। हाँ, सम्मान
उनका नाम लिखा रहता तो मेरे को सुन देख के वहाँ गर्वित महसूस करता था। वाह वाह बहुत अच्छा, आपका बेटा भी बहुत अच्छा है उस हिसाब से, मतलब नालायक नहीं निकला, लायक निकला है आपका बेटा, है ना। और मैं चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा आदमी बने और आप लोग को एक अच्छा लाइफ दे। याद आ गया, मैंने सम्मान बोला वहाँ लिखा रहता सर हमारे स्कूल के गौरव। अच्छा स्कूल के गौरव, हाँ। कौन सा स्कूल में पढ़ता है आपका? रायपुर कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा रायपुर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। वाह वाह वाह, तो स्कूल वाले, और मैं कहूँ कि आपका बेटा भी आपके ऊपर गर्व करेगा और आप भी अपने बेटे पे बहुत गर्व करते होंगे। और बहुत अच्छा लगा आपकी ये स्टोरी सुन के। तो गाइस कैलाश दीप जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मोटिवेशन मिला इनसे मिलके। और देख सकते हैं ये हार नहीं मान रहे हैं, इनके साथ प्रॉब्लम का एक पहाड़ भी टूट चुका है, लेकिन ये आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इनके बेटे हैं वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं, और मैं इनके बेटे को रिस्पेक्ट देता हूँ। आप और अच्छा पढ़िए, मैं आपको ये मैं संदेश देता हूँ कि आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पिताजी को एक अच्छा लाइफस्टाइल दीजिए और कुछ बड़ा करके दिखाइए और कुछ बड़ा सपना देखिए। मैं तो कहूँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और लाइफ में आप हार्ड वर्क करते जाइए और अपना दिमाग लगाइए, आपको बढ़ने से आगे कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच आपको हमारे शो में आने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा सम्मान देना चाहूँगा नेटवर्क ऑफ इंडिया और जनता की तरफ से। आपके बेटे ने तो बहुत कुछ किया है, आप भी आज इसके पात्र हैं, और ये मैं आपको सम्मान देता हूँ और एक क्लैप कर देता हूँ, एक सम्मान है मैं आपको दिया हूँ। आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ ऐसा लगा कि सचमुच में आज हमारे जो परिश्रम में सफल है और जो हमको सम्मान करने वाले वो भी रहते हैं यहाँ पे, और वो जो हमको गाइड करते हैं या हमारे हिम्मत को बढ़ाते हैं कि हम कभी हौसला ना हारे, ऐसे लोग भी होते हैं और कहीं भी हमको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को हमेशा फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा तो नहीं जानता मैं मगर चलो साथ में। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और दोस्तों ऐसे लोग से मिलके हमको मोटिवेशन मिलता है, और देख रहे इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, और इन लोगों से सीखना चाहिए। दोस्तों आपके पास जितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, आपके करोड़ों का प्रॉब्लम आ रहा है, लाखों का प्रॉब्लम आ रहा है, रुपये का प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम सबके साथ लगा रहता है। बहुत पैसा है जिनके पास, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके पास, सबका प्रॉब्लम छोटा बड़ा सब एक ही बराबर है समझिए। बस हिम्मत मत हारिए और कोई बात नहीं है, और आप भी एक बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, दूसरों का हेल्प कर सकते हैं। आप भी आप पैसा कमाइए और हेल्प करिए दूसरों को। सो थैंक यू सो मच ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे, ऐसे ही देखिए और मोटिवेट होते रहिए, और कभी हिम्मत मत हारिए दोस्तों। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।